तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम आए जय भगवान रसवंती गृह। आप देख सकते हैं इन्होंने कैसे जो बैलगाड़ी रहती है उस पर सेटअप किया है जूस निकालने का, जो गन्ने का जूस रहता है वो। तो देख सकते हैं कैसे उन्होंने बैलगाड़ी पे सेटअप किया है और ये यहाँ पे आगे इंजन लगाया उन्होंने। तो इसी तरह से वो मतलब निकालते, आप देख सकते हैं मशीन। तो ये 80 साल के अंकल जो है वो बेचते हैं ये ग्लास, 15 रुपये पर ग्लास है दोस्तों। अगर आपने देखा होगा कि जो गन्ना निकालने वाला जो जूस मतलब जो मशीन रहती है उसमें स्टेनलेस स्टील के जो प्रेशर रहते हैं वो लगे रहते हैं दो, तो इसमें लकड़े के है, तो लकड़े के हिसाब से मतलब जो टेस्ट है थोड़ा डिफरेंस हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें और इसमें थोड़ा टेस्ट में फ़र्क आ जाता है और एकदम नेचुरल रहता है। इसमें कोई मतलब ये लगा रहता नहीं, आप देखेंगे अगर पिया होगा आपने लकड़े के इसमें से। और जो स्टेनलेस स्टील से निकला हुआ जूस रहता है मतलब स्टेनलेस स्टील के इसमें से प्रेस होके निकलता है जो गन्ने का जूस, तो वो ज़्यादा जल्दी काला हो जाता है और इसमें मतलब टाइम थोड़ा फर्क हो जाता है। तो बहुत अच्छा रहता है गन्ने का जूस, आप भी पीजिए गर्मी के मौसम में, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए कि आपने कितने रुपए पर ग्लास ये गन्ने का जूस पिया है, क्योंकि मैंने देखा है कि 100 रुपीज़ के ऊपर भी ये गन्ने का जूस बेचा गया है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए।